और फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग काठमांडू। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं काठमांडू में और रात को हम पूरी मार्केट घूमे और रात को आए हम कोई 2 से 2:30 बजे। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम बताऊंगा और ये देखिए हमारा रूम और ये हमारा सामान, पूरे घर का सामान उठा के ले आए हम और साथ में अटैच बाथरूम और वरुण का सामान उस तरफ। और आज कहाँ चलना है फिर? महादेव के दर्शन करने पशुपतिनाथ। और आज आपको करवाते हैं दर्शन पशुपतिनाथ जी के। तो आप मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, शंभु शंकर। तो चलिए अभी हमने कर लिया है चेकआउट और ये लगी हम दोनों की बाइकें, सामान बांध दिया हमने और ये होटल है। अब आपको जैसे कि मैंने आपको रूम भी बता दिया तो ये है इनका रिसेप्शन सेंटर। तो चलिए ठीक है आप चलते हैं। और हमने भी अपना यहाँ पर एक लगा दिया स्टिकर। और आपको बता दूँ कि जिन 2 फॉरनर्स जो ब्राज़ील के थे तो जिनका रेप हुआ था वो भी इसी होटल में रुके थे, वो सामने इन्होंने अपना स्टिकर लगाया हुआ है और इसी होटल में रुके थे जिस होटल में हम रुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे पशुपतिनाथ मंदिर और करवाते हैं आपको आज दर्शन। तो चलो ठीक है भैया, मिलेंगे फिर। क्या नाम है आपका? ईशान। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे। हेलो हेलो, कैसा था? गुड गुड। और ये है होटल हमारा, होटल डिस्कवरी इन थमेल काठमांडू। और इसके बाहर ही है रेस्टोरेंट। तो होटल के बाहर ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर खाने के लिए। ये क्या बना रहे हो, परांठा? अच्छा ठीक। बाहर रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो चलिए यहाँ होटल से अब हम निकलते हैं सीधे मंदिर की तरफ, पशुपतिनाथ मंदिर। थंबनेल से हम निकल रहे हैं होटल से और यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर जो कि 4 किलोमीटर है। बाकी ये मार्केट पूरी खुली है और अभी आप पूरी मार्केट देख सकते हैं, ओपन है पूरी। अब पूछना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरी तरफ से आए थे। सर पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, थैंक यू। हो नेपाली रिक्शे। अब पूछ के जाना पड़ेगा। गलियों में से और जहाँ भी एक मोड़ आएगा वहाँ हमें पूछना पड़ेगा। पूरी मार्केट आपको मैं थंबनेल की, काठमांडू की थंबनेल मार्केट जो कि मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ। मैं भी एक बार बाहर निकल जाए मेन रोड पे तो आसानी रहेगी। बहुत ही ज़्यादा जाम है। और मैंने आपको घूमते घूमते हुए काठमांडू का बाज़ार, काठमांडू का बाहर का मेन रोड वो भी मैंने आपको दिखा दिया। रात को हम पशुपतिनाथ मंदिर के पास पहुंच गए थे तो हमने रात को रूम लिया काठमांडू मेन बाज़ार में और वहाँ से और मंदिर से लगभग कोई हमने 4 किलोमीटर दूर हमने रूम लिया। तो अब हम वापसी जब हम फिर से मंदिर आ रहे हैं पर हमें पता नहीं लग रहा कि मंदिर किस तरफ है। और अभी हमने रूम ले लिया है यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर ही। और जहाँ लगाते हैं बाइक, जहाँ लगेगी मेरी बाइक और जहाँ पर लगेगी वरुण की बाइक, होटल रिवरलैंड। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ी देर में होटल के अंदर
और आपको बताते हैं कि आज हमारा रूम कौन सा रहेगा, रूम भी बताते हैं आपको। फिलहाल अभी हम लगाते हैं बाइक, अपना सामान उतारते हैं और चलते हैं हम रूम के अंदर। ठीक है भैया, आपका नाम क्या भैया? तो अभी हम पहुंच चुके हैं रूम में और आपको बता दूं कि हम जैसे सुबह रूम से निकले और पशुपतिनाथ मंदिर है बाहर, तो उसके सामने ही हमने रूम लिया है। और ये देखिए आप हमारा रूम, और ये रूम उससे भी बढ़िया है क्योंकि ये मैंने किया है गाइस, ये बुक मैंने किया है इसलिए बढ़िया है। बढ़िया बंदा हूँ ना मैं, बताओ कैसा लग रहा हूँ कमेंट से बताओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कमेंट करो गाइस। और देखिए यहाँ पर रख दिया हमने सामान, ये हमारा रूम, सामने लगी है LED अलमारी, ये हमारा बेड, और ये है बाथरूम। और आपका फेवरेट AC आपका फेवरेट AC भी है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में और करते हैं दर्शन, और आपको भी करवाते हैं दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, और सामने देख रहे हो होटल, जो होटल प्राइम सूट, इसके बैक साइड हमारे, और इसी के बैक साइड हमारा होटल है, और उसके बिल्कुल सामने है पशुपतिनाथ मंदिर। तो ये है छोटा गेट, एक मेन गेट जो है वो दूसरी तरफ है, तो हम जा रहे हैं इसी गेट से। आइए चलते हैं अंदर और आपको करवाते हैं दर्शन, और आपको आज दिखाते हैं हम नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। तो आप भी मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं मंदिर और चलते हैं मंदिर के अंदर, और जहाँ तक हो, और आज मैं आपको सारा का सारा मंदिर बताऊंगा। तो अभी हम आए हैं जैसे कि छोटे वाले गेट से, और सामने जो आप देख रहे हो जी है मेन गेट पशुपतिनाथ जी का, वो रहा सामने मेन गेट, और ये रही सामने पार्किंग। और चलिए अब चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, और मंदिर के बाहर ही आपको फूल माला वगैरह की काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी। और सामने देखिए ये काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर, आपको प्रसाद वगैरह लेना तो यहीं से आप ले सकते हैं प्रसाद। और वो देखिए मेन गेट, और मेन गेट से हमें काफ़ी चलना पड़ता है पैदल। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो सामने देखिए ये रहा मंदिर, बस मंदिर के पास पहुंचने वाले हम। तो जी है मंदिर के अंदर का दृश्य। मंदिर जाना है क्या? ये क्या है, रुद्राक्ष? असली है? असली, नकली क्या मिलेगा? ये फल के अंदर बच्चा वाला फल है ना अभी। हाँ हाँ, और अभी देखिए मैं अंदर से पूरा मंदिर दिखा रहा हूँ आपको। और सामने है स्वास्थ्य केंद्र, और देखिए मंदिर अंदर से, बहुत बड़ा मंदिर है और काफी अच्छा मंदिर है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो चलिए पहले चप्पल उतारते हैं वहाँ पर, और उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन। और मंदिर जाने से पहले सभी अपने जूते चप्पल जहाँ उतारी है। और जब अंदर जाना है तो एक थाली ले लो, उसमें डाली, एक ही में दोनों डालो, ठीक है, थाली ले लो और उसमें अपनी चप्पल इसमें डालकर और जमा करवा दीजिए। फ्री शू लॉकर हाउस। एंटर करने से पहले हम लेते हैं यहाँ से भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, हर हर महादेव। और ये देखिए मंदिर के अंदर का दृश्य। वाह, यहाँ कबूतर देखिए,
यहाँ पर आके सभी दाना डालती हैं कबूतरों को। और यहाँ भंडारा भी लगा हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ जी का मेन मंदिर। और फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप मेरे सामने देख सकते हैं जी है पशुपतिनाथ मंदिर। तो मैं दर्शन करके आया हूँ, हर हर महादेव। और आज मैं कहता हूँ, आज मैं सफल हुआ। जय भोलेनाथ, जय शंकर। तो चलिए बाकी आप अंदर से एक बार फिर से देख लीजिए अंदर का दृश्य। क्योंकि आपको बता दूँ कि अंदर हम गए थे, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, ना कैमरा ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। आप चाहे और आप अंदर जाके फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकते। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है क्या शिव जी का। अच्छा वरुण बताओ, यहाँ पे शिवलिंग थे, चार मुखी शिवलिंग थे जिनके दर्शन किए हैं हमने अभी। और भैरव बाबा जी की मूर्ति थी जिनके हमने दर्शन किए, हनुमान जी की मूर्ति थी उनके भी दर्शन किए हैं हमने। और अंदर फोटो मतलब प्रोहिबिटेड है कि स्ट्रिक्टली मना है, नहीं लेके जा सकते कैमरा। मतलब लेके जा सकते हो, पर अगर आप पकड़े गए, या अंदर गार्ड ही गार्ड है हर जगह जगह, तो अगर पकड़ लिया उन्होंने आपको फोटो वीडियो बनाते तो वो आपका वो गैजेट जब्त कर लेंगे। और अभी हम जैसे ही थोड़ा बाहर आए हैं, जहाँ पर है श्री शंकराचार्य मठ। जय हो। और जैसे हम मंदिर के बाहर आए हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, ये है वृद्ध आश्रम। और ये देखिए आप मंदिर के अंदर की दुकानें, काफ़ी दुकानें यहाँ पर। और ये देखिए रुद्राक्ष की मालाएं, शंख। तो चलिए हम भी देखते हैं, कुछ लेते हैं यहाँ से। जय पशुपतिनाथ जी। और ये जो आप देख रहे हो, ये है जाक की पूंछ होती है ना, यो ये वही है। और साथ में हमें बहुत ही ज़ोर से लगी है भूख। और टाइम हो गया 2:45 सुबह से, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो हमने सोचा कि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम कुछ खाएंगे। तो चलिए अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। क्या कर रहे हो जनाब? यार कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, ब्रेकफास्ट किया, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो चले। आजो फिर। शंघाई। और ये भी है एक यूट्यूबर चाइना से। हेलो हेलो। तो चलिए अभी हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लिए और अभी टाइम हुआ है 4:45। तो हमने इसी होटल में अपना सामान रख दिया और अभी सारा सामान, अभी बाइक सारी खाली है, सामान हमने सारा निकाल दिया, होटल में रख दिया। अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है शंभूनाथ, तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ भी दर्शन करते हैं। तो हमारे साथ एक लोकल है यहाँ के, वो हमारे होटल में ही थे, वो कह रहे हैं चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो होटल वाले कह रहे हैं कि आप इनको ले जाओ, तो ये आपको सही रास्ता बताएँगे और साथ साथ में हमारे साथ भी चलेंगे। अच्छा, ब्लॉग बनाते हो? मेरे भी एंट्री कमेंट्री है।
कोई यूट्यूब चैनल है आपका? सीपीआर मनजीत है। फिर से बोलो। सीपीआर मनजीत। सीपीआर मनजीत। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ऑन है ना आपका? हाँ हाँ ऑन है। कर दो, मेरे को भी ऐसा मतलब ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं भी इधर का जो मुस्ताम मुस्ताम होता है ना सर चुका हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या वैसे? सीपीआर मनजीत। सीपीआर मनजीत, चलो ठीक है, सब्सक्राइब करूंगा। ठीक है हाँ, तो फ्रेंड्स इनका इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और हो सके तो आप मेरे को मतलब ऐसा नंबर सेव कर सकते हैं। हाँ लिख लीजिए आप। 555। हाँ आप सेव कर लो, शाम को मैसेज करना क्योंकि शाम को वाईफाई चलेगा ना, तो शाम को ही होगा ये मैसेज आएगा। ठीक है, तो नाम वाले कितना दिन रहेंगे आप? अभी हैं, अभी कल हम जाएंगे पोखरा। तो कभी पोखरा? कल तो नहीं, नहीं तो मैं भी मतलब जा सकते थे ऐसा मेरे को भी, क्योंकि कल हमने पोखरा से निकल के हमने वहाँ से निकलना वापस। ओके ठीक है, आप इंडिया कहाँ पे रहते हैं? हम जम्मू कश्मीर। अगर हम लोग इधर आए तो आप मतलब? कोई नहीं यार, आप फोन करना, हम हमेशा हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो गाइस, उनको भी मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट करो कि भाई नेपाल में आए, भाई नेपाल आना छोटा मोटा बात नहीं है भाई। और भी मतलब इधर से पूरा दिखाने वाला है आप लोग को। सो इधर से अभी पूरा दिखाने वाला है आप लोग, सो प्लीज यार आप लोग सब जने मिलकर सब्सक्राइब कर दो उनको भी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि नेपाल इतना खूबसूरत है। काफी खूबसूरत है, मतलब इमेजिंग दिखाने वाला है भाई, इमेजिंग आप घर बैठे बैठे इतना इमेजिंग देखने को मिल रहा है। तो गाइज इधर देखिए, मेरे को मतलब भैया मिला है जो यार काफी घूम चुका है भाई, देख रहे हो मतलब पूरा सेटअप से। मैं अभी इंडिया से जम्मू कश्मीर से। आपका चैनल का जो वो बोल दीजिए कि मेरा भी मतलब? मेरा चैनल का नाम है माउंटेन राइडर सुनील, ये लिखा है माउंटेन राइडर सुनील। माउंटेन राइडर्स ने जी प्लीज उनको सब मतलब सपोर्ट करो यार, उधर जम्मू कश्मीर से इधर आया है भाई मतलब इधर नेपाल घूमने, जो कैसा लगा आपको नेपाल? हमें काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, काठमांडू और भी अच्छा लगा हमें। अच्छा चलिए, पोखरा जाइए उससे भी डेंजर, मतलब पोखरा रह गया, पोखरा कल जाएंगे। अगर इधर मतलब पांच पोखरी ऐसा संभव हो रहा है तो पांच पोखरी मुस्तांग, इधर बहुत ही जगह है एकदम काफी अच्छा। चलिए ठीक, चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। आपका नाम? प्रेम। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके तो चलिए, जो हमारे साथ जा रहे हैं अभी उनका नाम भी पूछते हैं, और यहाँ के लोकल हैं वो हमारे साथ जाएंगे घूमने के लिए और हमें सही ढंग से घुमाएंगे। और ये देखिए कि जैकेट्स वगैरह, दी बैटल्स ग्रीन डे इंग्लैंड। तो चलिए अब पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से कोई सात किलोमीटर की दूरी पे है शंभूनाथ, और भी जो साइट सींग है लोकल साइट सींग वहाँ घूमते हैं, क्योंकि कल हमें निकला है पोखरा और हमारे साथ हैं आज लोकल ही नेपाल के, तो हमारे होटल में ही थे। तो चलिए बाद में इनसे मिलते हैं और इनका नाम भी पूछते हैं। और यहाँ पेट्रोल है 175, नेपाली जो करेंसी है इसके हिसाब से हमने 800 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये मेन गेट है और पूरा ये रॉयल पैलेस है। यार आपका नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम उत्तम है। चलो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये हमारे साथ यहीं के लोकल हैं नेपाल के ही, तो हमें तो रास्तों का पता नहीं लग रहा था, तो हमारे होटल के पास, हमारे होटल में ही रहते हैं, तो कहते हैं मैं यहीं का लोकल ही हूँ और चलो हमारे साथ और मैं ही आपको घुमा लाता हूँ। सीधा जाना है। नेपाल का सबसे महंगा जगह, इस जगह को क्या बोलते हैं हम? दरबार मार्ग। दरबार मार्ग। हाँ। अच्छा, अब यहाँ से यूटर्न और देख लो यहाँ का रास्ता काफी ज्यादा भूल भुलैया रास्ता है। सीधा आगे थामे। ठीक है, वहाँ से जाके राइट, सीधा आगे थामे ना, हमने राइट से होते हुए जाए। ठीक है, अच्छा थमेल। हाँ। ओके ओके, जो गेट देख रहा है ना नॉर्मल सा। हाँ हाँ, गेट से आगे पूरा थमेल है। स्तूपा, ये कौन सा है? ये कौन सा स्तूपा? ये शंभूनाथ की बड़ा एरिया है ना।
हाँ अच्छा पूरा और इस जगह को क्या बोलते हैं हम इस जगह को क्या बोलते हैं शंभुनाथ अच्छा 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 जगह का नाम भी शंभुनाथ है और इस जगह का नाम है शंभुनाथ चलिए काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ भी चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर तो चलिए अब हम पहुँचने वाले हैं शंभुनाथ और जहाँ का व्यू भी अच्छा है तो चलिए इस बाइक का मैं फिर से एक बार थैंक्स करता हूँ जो हमारे साथ आए और इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अच्छा यहाँ पर और अच्छा और फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं हाँ रुको आप ठीक है रुको आ रहा हूँ तो चलिए यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क और चलते हैं शंभुनाथ हरे कृष्णा हरे राम और ये देखिए अंदर पानी के अंदर सब लोग यहाँ से पैसा फेंकते हैं पैसा फेंकते हैं वहाँ डालने के लिए वहाँ पारने के लिए फाल फेंकते हैं लेकिन ज़्यादातर तो नहीं पड़ता है थोड़ा बहुत ही तो जाता है उसके अंदर ठीक है कल इनसे मिलते हैं जे हमारे साथ निकले हैं आप अपना नाम बताइए उत्तम खड़का उत्तम खड़का खड़का कहाँ के हो यहाँ नेपाल के लोकल तो हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं हम अकेले आते तो हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाते डेढ़ से दो घंटे लग जाने थे तो रास्ते में हमें मिल गए जिस होटल में हम थे तो वहीं थे वो कह रहे हम आपके साथ चलेंगे आपके साथ घूमेंगे उसके लिए थैंक यू ओके वेलकम इसलिए कहते हैं ना कि नेपालियों का दिल काफ़ी बड़ा होता है हाँ बहुत बड़ा होता है और देखिए ये है स्तूपा स्तूपा बोलते हैं ना इसको हाँ बड़ा स्तूपा बड़ा स्तूपा अच्छा बड़ा स्तूपा ऊपर है ठीक और जो जो नीचे देख रहे हो नीचे छोटे छोटे स्तूपे हैं ये कम से कम भी कितनी सीढ़ी होगी ये होगा वही 100-150 सीढ़ी और 100-150 सीढ़ी चढ़ के हमें ऊपर जाना ऊपर तक जाना पड़ेगा होटल में और अभी बस थोड़ा ही रह गया थक गया हूँ अभी जिम सिम करके पूरा पेट घटाना पड़ेगा पूरा सही बात और नीचे दुकानें भी हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी सांस गला सूख रहा है छोटी सा मंकी टेम्पल बोल रहे थे ना देखो मंकी टेम्पल गाइस लुक एट दिस मंकी टेम्पल्स हेलो भाई बड़ा स्तूपा आगे वो देखिए सामने बड़ा स्तूपा और सांस मार देखो कितनी ज़्यादा फूल गई है और कम से कम भी 150-200 सीढ़ी चढ़ के आए हैं ऊपर ताकि आप यहाँ का नज़ारा देखिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है देखिए ये छोटे छोटे स्तूपे
स्तूपे आगे ना छोटे छोटे। हाँ हाँ ये पूरा छोटे छोटे पूरा देखिए इसमें पूरा भगवान का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ और ये देखिए काफ़ी छोटे स्तूपे हैं यहाँ पर बने हुए, और जो सबसे बड़ा मेन स्तूपा है वो रहा सामने। अब वहाँ से काठमांडू का पूरा व्यू दिखेगा वहाँ से। हाँ तो चलिए चलते हैं आगे, वहाँ से कह रहे काठमांडू का पूरा व्यू दिखेगा। देख लीजिए अभी चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे और वहाँ से देखते हैं व्यू पूरे काठमांडू का। और देखिए पूरा काठमांडू यहाँ से देखो भाई काठमांडू पूरा काठमांडू। अमेजिंग यहाँ एक मंकी है। हेलो उसका नाक किसी ने पचका दिया है। हाँ सही में क्यों है तेरा नाक? ओह नहीं 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 देखिए पूरा काठमांडू यहाँ से दिखाई दे रहा पूरा काठमांडू। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। तो जैसे हम पशुपतिनाथ टेम्पल गए वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पर आके भी हमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर 3 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। कर लीजिए आप ही दर्शन, जय हो भगवान। चलिए और ये दिखाया मैंने आपको आज शंभुनाथ जी का मंदिर। बजरंगबली जी की मूर्ति भी है यहाँ पर। जय श्री राम जय बजरंगबली। ये देखिए लाइटें जग रही हैं और सामने का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। जय हो महाकाल महाकाल। तो चलिए अब हमने दर्शन कर लिए और देखिए सामने काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। ये है शाम के टाइम का व्यू, देखिए सामने काठमांडू जगमगाता हुआ काठमांडू। आप कहाँ लेके जा रहे हो अभी हमें? बौद्ध स्तूप जा रहे हैं। बौद्ध स्तूप ठीक है, तो जहाँ से कितना दूर है? यहाँ से वही होगा 8-9 किलोमीटर। और जहाँ से है कोई 8-9 किलोमीटर। और ये अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही घूमेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 7
तो चलिए एक जगह और चलते हैं, वहाँ भी आपको घुमाते हैं और उस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर शाम को घूमते हुए। राइट चलिए यहाँ पर करते हैं अपनी बाइक पार्क। तो चलिए अब जहाँ लगा दिए हमने अपनी अपनी बाइकें और चलते हैं अंदर। और पहुँच चुके हैं बुद्ध टेम्पल और सामने देखिए ये रहा बुद्धा टेम्पल। वाह। और पूरा नेपाल हम ज़्यादातर वीडियो में देखते थे पर हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। सामने देखिए बुद्धा टेम्पल और सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल है ये। और अंदर काफ़ी बड़ी मार्केट है। और लाइटों से जगमगाता हुआ। पहले हम सोच रहे थे कि दिन में आएंगे पर थोड़ा लेट हो गए और अभी हम लगा रहे हैं एक चक्कर। छोटे स्तूप भी बहुत है लेकिन इससे बड़ा स्तूप नहीं है। एक चक्कर खत्म हो गया, अब थोड़ा फोटो खिंचवाएंगे यहाँ से आगे। इसका अच्छा अभी हम घूम के आ गए हैं। हाँ एक चक्कर होगा। कितना लगाते हैं? एक ही लगाओ या तीन लगाओ तुम्हारा मन। और आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं बौद्ध स्तूपा। तो आपको ये बौद्ध स्तूपा भी कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना और साथ में शेयर जरूर करना। और ये हमारे साथ रहे दोनों नेपाल का दोस्त। नेपाल का दोस्त क्या बोलते हैं इंडिया और नेपाली? रोटी और पेटी का संबंध। हाँ संबंध है हमारा नेपाल और इंडिया में। ठीक है बिल्कुल, हम भी वही दोस्त बन गए अब। ठीक है थैंक यू वेलकम। तो चलिए अब काठमांडू घूमने के बाद अब हम चलते हैं रूम में, तो वहाँ करते हैं आज रेस्ट और उसके बाद हम कल निकलते हैं पोखरा की तरफ। तो दो दिन और रहेंगे हम, दो से तीन दिन नेपाल में और उसके बाद हम वापसी करेंगे इंडिया के लिए। तो देखिए सारा घूमने के बाद हम वहाँ से निकले, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हम अपने रूम के पास पहुँच गए हैं। तो यही फ़ायदा हुआ कि हमारे साथ रहे और हम 5 मिनट में पहुँच गए। भाई थैंक यू। ओके वेलकम ब्रदर। आओगे जम्मू कश्मीर आओगे हाँ। तो मुझे फ़ोन जरूर करना ठीक है हाँ। और मुझसे मिलकर जरूर जाना हाँ। मेरा बकेट लिस्ट में है, कोई टिकट नहीं है। ठीक है आना मैं घुमाऊँगा आपको हाँ। ठीक है हाँ। चलिए जी हम पहुंच गए हैं अपने होटल। आहिस्ता। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको आज के दिन में मैंने आपको बताया पशुपतिनाथ स्तूपा और इसके साथ शंभुनाथ टेंपल। तो अभी हम आ चुके हैं रूम में और अभी हमने रूम में खाना मंगवा लिया है और खाने में हमने मंगवाया है दाल चावल मिक्स सब्जी और साथ में पापड़। तो ठीक है
अब खाते हैं खाना, एंजॉय करते हैं पहले ये खाना, हाँ फिर कर देंगे गुड नाइट। ठीक है फिर करेंगे गुड नाइट। गुड नाइट करेंगे क्या अभी? गुड नाइट बोलेंगे, गुड नाइट गुड नाइट। और हाँ कल निकलेंगे हम सुबह उधर पोखरा, पोखरा पोखरा के व्लॉग्स भी आएंगे मस्त मस्त।